सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज ध्रुव गोल्ड अकॉस्टिक बनिया और आज हमारा गिटार लेसन, हमारी आज की गिटार वीडियो, गिटार ट्यूटोरियल हमारा आज का है कहो ना कहो फ्रॉम द मूवी मर्डर। तो एक काफ़ी अच्छा गाना है, एक टाइम पे हर एक ने ऑलमोस्ट इस गाने को सुना है, देखा है, मतलब बड़ा अच्छा गाना, हर एक को कभी ना कभी ये लगा है, हर एक ने गुनगुनाया एक ना एक बार ये गाना। आज के टाइम में बेशक ये गाना थोड़ा सा लो हो चुका हो, बाकी गानों से भूल जाते हैं, जैसे हम थोड़ा फेड आउट हो जाता है वो गाने हमारे मन से, तो बट मेरे को ये गाना एकदम से अभी स्ट्राइक हुआ, कुछ कमेंट्स में भी रीड कर रहा था मैं, किसी ना किसी ने डाली हुई थी इसकी रिकमेंडेशन। तो कहो ना कहो का आज गिटार लेसन करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और छोटा सा गाना है, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी से ख़त्म करेंगे इसको फटाफट से, बहुत ही ईजी सिंपल स्टेप्स में। तो गिटार लेसन के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर, तुम्हें थोड़ा सा गाना गा के दिखाऊंगा, देन इसकी कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग तुम्हें बताऊंगा, एंड फाइनली गाना लाइन बाय लाइन स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बताने वाला हूँ। वेल, आगे जाके इसमें थोड़ी सी अरेबिक लैंग्वेज आती है, उसको इग्नोर करूंगा मैं, बट उसकी ट्रिक बता दूंगा कि कैसे, मतलब क्या कॉर्ड्स लग रही हैं उसमें, मतलब मेरे को नहीं बोलनी है, मैं तो उतला हो जाऊंगा उसको बोलने में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। कहो ना कहो ये आंखें भूलती है, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। सो गाइस, गाने का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट अभी मैंने तुम्हें सुनाया, अब बाकी इसका यार 1 मिनट कवर, 2 मिनट कवर, मतलब एक छोटा सा कवर इसका मैं अपने डालता हूँ इंस्टा हैंडल पे, तो नीचे इंस्टा हैंडल तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा होगा, तो वहाँ पे जाके इसको पूरा सुन सकते हो, इस कवर को अच्छी तरह से देख सकते हो, और मन करे तो मेरे को फॉलो भी करना है एंड सपोर्ट भी करना है, जैसा यहाँ पे ऑलरेडी तुम करते आए हो। सो फिलहाल अभी यार आगे बढ़ते हैं इसकी कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग की तरफ, और देखते हैं कि गाने में एक्चुअली हमें क्या क्या प्ले करना है, कौन कौन सी कॉर्ड्स, कैसी कैसी स्ट्रमिंग को हमें इस गाने के अंदर यूज़ करना है। ओके, सो गाइस, गाना सुनने के बाद तब देखते हैं सी कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग। तो सबसे पहले यार देखो, केपो लग जाएगा सेकंड फ्रेट पे, बिकॉज बी माइनर के स्केल का गाना है, ठीक है, तो केपो लगा दिया सेकंड फ्रेट पे। अब पहली कॉर्ड हमारी बनेगी ए माइनर, ओके, सेकंड कॉर्ड विल बी ई माइनर, थर्ड वन एफ मेजर, एंड फोर्थ वन विल बी जी मेजर, ठीक है। तो ये चार कॉर्ड्स ए माइनर, ई माइनर, एफ एंड जी, जो कि एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है अपने आप में, ये चारों कॉर्ड्स हमारे इस गाने के अंदर यूज़ हो रही हैं। वेल, इनके डायग्राम्स ऑलरेडी मैं तुम्हें यहाँ पर दे चुका हूँ, और अगर तुम्हें यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, इनको नहीं समझ पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, तुम उसको चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने इन सभी कॉर्ड्स को अच्छी तरह से समझाया हुआ है। सो अभी कॉर्ड्स के बाद इसकी देखते हैं स्ट्रमिंग। तो स्ट्रमिंग हमारी कुछ चलती है, देखो, कहो ना कहो ये आंखें भूलती है, ओ सनम ओ सनम, लेके देखते हैं एक बार, कहो न कहो ये आंखें भूलती है, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत। तो मैं यहाँ पे क्या कॉर्ड यूज कर, सॉरी, मैं यहाँ पे क्या स्ट्रमिंग यूज कर रहा हूँ, डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन, कैसे, कहो न कहो ये आंखें भूलती है, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम, डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप अप, कहो न कहो, ठीक है। तो ये हमारी रहेगी कुछ स्ट्रमिंग इस गाने के अंदर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन स्ट्रमिंग है ये, तो इसको फॉलो करके हमें चलना है बाकी कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग के बाद। अब देख लेते इसका सॉन्ग पार्ट। सो गाइस, कमिंग टू दी सॉन्ग पार्ट, अब जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया था, गाना बहुत ही छोटा है, क्यों है उसका रीजन बताता हूँ। देखो, स्टार्टिंग हमारी होती है ए माइनर से, कहो ना कहो, ठीक है, ये आंखें भूलती है, ओ सनम, यहाँ तो हमारा पूरा ए माइनर रहेगा, यहाँ तक कंप्लीट ए माइनर, ओ सनम ओ सनम। दूसरी बार जब आते ना, पहले बार तो ओ सनम पे ए माइनर रहेगा, कैसे पूरा दिखाता हूँ, कहो ना कहो ये आंखें भूलती है, ओ सनम ओ सनम, ओ सनम पर ए माइनर, ओ वहीं पर रहेगा, लेकिन सनम का न जो आएगा वो हमारा आएगा ई माइनर पे, दूसरी बार जो आएगा, ओ सनम ये तेरी कसम, मोहब्बत
ये अब सारा ई माइनर है, जहां तक भी मैं भी गा रहा हूँ, जहां पे स्टॉप होगा वहां तक पूरा ई माइनर है। कैसे? मोहब्बत के सफर में तू सहारा है, वफा के, यहां तक सारा ई माइनर। साहिलों का, यहां पर आएगा एफ, ये किनारा है, किनारे पर ए माइनर। कंप्लीट एक बार पूरा बताता हूँ कैसे, ए माइनर फॉर द कंप्लीट लाइन, ई माइनर फॉर टू लाइंस, पूरा स्ट्रेच होएगा, देन उसके बाद एफ एंड ए माइनर। कैसे? पूरा देखो, कहो ना कहो, ए माइनर, ये आंखें भूलती है, ओ सनम, ई माइनर, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, ई माइनर कंटिन्यू, वफा के साहिलों का एफ, ये किनारा है। कैसे? वफा के साहिलों का ये किनारा है, किनारा के रा पर आएगा हमारा ए माइनर, किनारा है, ठीक है। देन इसके बाद हमारी ये लाइंस रिपीट होंगी, देन इसके बाद हमारा आता है बादलों से ऊंची उड़ानों की, तो उसको हमें कैसे करना है, फर्स्ट लाइन पूरी ए माइनर, कैसे, बादलों से ऊंची उड़ानों की, नेक्स्ट लाइन कंप्लीट एफ मेजर, सबसे अलग पहचानों की, एफ, देन जी, उसे है प्यार की कहानी मंसूब, पूरा जी। अब यहां से आते जाते सबकी रवानी मंसूब, इस लाइन में तीन कॉर्ड्स लगेंगे, विच इज आते जाते सबकी, ई माइनर, कहानी मंसूब, एफ आएगा एक छोटे से टाइम के लिए, कैसे, आते जाते सबकी कहानी मंसूब, ठीक है। मतलब पूरी स्ट्रमिंग को भी तुम्हें नहीं रखना है एफ पर, एफ को लाना है एक सुर के लिए, लाना है एकदम से माइनर पे ले जाना है, कैसे, आते जाते सब की कहानी मंसूब, ठीक है। देन इसके बाद ये लाइंस हमारी रिपीट, कहो ना कहो वाली लाइंस, देन यहाँ पर हमारा आता है एक छोटा सा अरेबिक पार्ट, अरेबिक पार्ट के अंदर हमारा कैसा है कुछ, नहीं बोला जाएगा मेरे से, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि ए माइनर ई माइनर वैसे ही यूज करना है जैसे हमने स्टार्टिंग में करे, कैसे, कहो ना कहो, ऐसी कमली महा, ये सारा हमारा पैराग्राफ एज इट इज, हमारा मतलब पैराग्राफ कह रहा हूँ, स्टैंजा हमारा एज इट इज कॉपी हो जाएगा जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था, ठीक है। अब इसके बाद आगे एक छोटा सा जो है मतलब स्टैंजा पार्ट कहेंगे, क्या कहेंगे वो एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे प्ले करना है। सो गाइज, आफ्टर द अरेबिक पार्ट, मतलब शायद अरेबिक ही है ये, उसके बाद हमारा एक पार्ट आता है, मतलब छोटा सा पार्ट है, कुछ ऐसा अलग नहीं है, बस लिरिक्स थोड़ी सी अलग है, कॉर्ड्स हमारी वही है, ए माइनर कंप्लीट लाइन, एफ कंप्लीट लाइन, जी कंप्लीट लाइन, देन ई माइनर, एफ एंड ए माइनर, जहाँ पे एफ पे हमें हल्का सा स्टे देके एकदम से ए माइनर पे आना है। कैसे? तू ही जीने का सहारा है, ए माइनर, मेरी मौजों का किनारा है, एफ, मेरे लिए ये जहां है तू, जी, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है, कैसे, जी के बाद तुझे मेरे दिल ने पुकारा है, ई माइनर एफ ए माइनर, ठीक है। देन उसके बाद हमारी ऐसी लाइंस रिपीट हो जाती हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में करी थी। तो बाकी यार गाने के अंदर हमारा कुछ नहीं है, मतलब मेन पार्ट इसका थोड़ा सा ना, ये गाने का फ्लो जो है हमारे कुछ, इस गाने का म्यूज़िक ऐसा, कुछ गाने की बीट्स ऐसी है, कुछ स्ट्रमिंग ऐसी है, और लिरिक्स का तो मतलब है ही एक इसमें अलग ही खेल। बाकी थोड़ा सा अरेबिक पार्ट है जो इस गाने को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़्यादा बना देता है, और कुछ नहीं। बट गाना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब हमें स्टार्टिंग से अच्छा लगता है गाना, जब भी हमने अपने बचपन में भी इस गाने को सुना था। तो फिलहाल यार गिटार लेसन आज का हमारा इतना ही था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल गाना है, बिगनर्स के लिए तो एक्सट्रीमली इजी है, बिकॉज इसमें कुछ नहीं करना, उन्हें ए माइनर जी एफ एंड ई माइनर को यूज़ करना है और कोई कॉर्ड को यूज़ नहीं करना। सो दैट्स ऑल फॉर द लेसन टुडे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए, तुम्हारी हेल्प की हुई, वेल हेल्प की तो क्या, मतलब इतना ज़्यादा सिंपल है ए माइनर जी एफ ई माइनर, इतना कॉमन पैटर्न को यूज़ करना एक गाने के अंदर, तो वो मैंने अभी तुम्हें इस गाने में सिखाया था। तो अगर वीडियो पसंद आई, तुम्हारी हेल्प की हुई, इस वीडियो से तुम्हें ये गाना बजाना आया गिटार पे, मतलब भाई कुल मिला के सारी बात है, तो प्लीज़ एक वीडियो को यार, इस वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर देना, एंड थैंक्स फॉर दी 8K, मतलब इससे पहले दो वीडियोस आ चुकी होंगी शायद, बट थैंक्स फॉर दी 8K, मतलब मैं उनमें बोलना भूल गया था। बाकी मिलता हूँ तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो तो मेरे को टेक्स्ट कर दिया करो या फिर नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दिया करो, हफ्ते में एक बार मैं सारे कमेंट्स एक साथ बैठ के रीड करता ही हूँ, तो तब मैं पक्का उनको रिस्पॉन्स मतलब दे दूंगा, रिप्लाई मैं उनको दे दूंगा पक्का। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे गाइस, मिलता हूँ तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।